Good morning, children. How are you all? Fine. Good. Today we will start with thoughts. Time and tide waits for none. इसका मतलब है समय और पानी के लहरें किसी के लिए रुकती नहीं है, है ना? जैसे जैसे कोई वर्क अगर आपको आज मिला, आपने वो नहीं किया तो आपके पास पेंडिंग रह जाएगा, फिर कल दूसरा वर्क मिल जाएगा तो आपका वर्कलोड बढ़ता रहेगा। इसलिए आपको डे बाय डे आपका वर्क कंप्लीट कर लेना है। ओके, ये आपका समर वैकेशन के पहले ये आपका आखिरी वीडियो है, तो इसमें मैं कुछ कुछ इंस्ट्रक्शन दूंगी, यू हैव टू फॉलो दिस। जैसे हमारा कैपिटल लेटर्स कहाँ तक हो गया है? ए टू एच तक, क्योंकि आई का वर्डशीट मैंने नहीं दिया है, तो यू हैव टू कंप्लीट अप टू एच इन फोर लाइंस इंग्लिश कॉपी। और आपको कैसे के लिखना है? ए टू पेज ए लिखना है और रिलेटेड पिक्चर्स ड्रॉ करना है। जैसे ए फॉर एप्पल, तो एप्पल आपको कलर करना है, ड्रॉ करना है एंड कलर भी करना है, और फुल पेज ए लिखना भी है। तो कैपिटल लेटर कहाँ तक करना है? ए टू एच। और आज मैं कुछ स्मॉल लेटर्स भी करवाऊंगी, तो स्मॉल लेटर्स भी आप लोग कॉपी में कर लेना, और जिनके पास बुक्स हैं वो बुक्स भी, बुक वन में सिर्फ ए है और पैटर्न्स है, तो पैटर्न्स करने के बाद आप ए भी कर लेना, और बुक टू का जो जो अल्फाबेट्स कंप्लीट होगा आप उसे कंप्लीट कर लेना। ओके, और क्या करना है? एक फ्लैश कार्ड बनाना है इस साइज का, ठीक है? 6x4 या 6x6, ये आपके घर में जो अवेलेबल है कार्डबोर्ड या नोटबुक का कवर, उसे आप बना सकते हैं। और क्या क्या बनाना है फ्लैश कार्ड में? लेटर्स, जिसका नेम जो लेटर से स्टार्ट होता है वो लेटर उसे बनाना है। लाइक आपका नेम अगर स्टार्ट है ए से, आपका नेम है अभिषेक, तो आपको लिखना है ए, ए यहाँ ऐसे लिखोगे आप, और बाकी स्पेस पे यहाँ आप ड्रॉ करोगे एप्पल, और इसे आप कलर भी करोगे, और बॉर्डर आप डेकोरेट भी कर सकते हो अपने हिसाब से, उसे आपको बनाना है। ओके, इसके अलावा हम लोगों ने क्या किया है? 3 राइम्स, कौन कौन सा? माय रेड बैलून्स, पुट योर राइट हैंड इन एंड ब्रश योर टेक। तो ये 3 राइम्स आपको लर्न करना है और रिसाइट भी करना है। जब स्कूल ओपन होगा मैं टेस्ट लूंगी और ग्रेड्स भी दूंगी। और स्टोरी, विच स्टोरी? द कैप सेलर एंड द मंकीज। ये आपको धीरे धीरे 1 2 3, लास्ट वीक मैंने 3 लाइन्स लर्न करवाया था, है ना? तो आपको आज भी मैं 3-4 लाइन्स लर्न करवा दूंगी, बाकी आप लोग समर वैकेशन में टोटल स्टोरी जो मैंने आप लोगों को दिया है पॉइंट्स वाइज वो आप लोग लर्न कर लेना। और क्वेश्चन आंसर भी मैंने दिया है कुछ, उसे भी लर्न कर लेना। कोशिश करना पूरा स्टोरी ही लर्न हो जाए। ओके, इस पे भी असेसमेंट के ऊपर हमने ग्रेड्स देना है। सो टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग पैटर्न्स एंड स्मॉल लेटर्स। You will say, what is this? Yes, this is standing line. Capital letter के लिए हम लोगों ने यहाँ से किया था draw. अब हम लोगों
लोगों ने स्मॉल लेटर के लिए सिर्फ सेंटर का टू लाइंस में ड्रॉ करेंगे, है ना, सिर्फ सेंटर का टू लाइंस में हम ड्रॉ करेंगे, सिर्फ सेंटर का टू लाइंस में हम ड्रॉ करेंगे. व्हाट इज दिस? यस, स्टैंडिंग लाइन. व्हाट इज दिस? स्टैंडिंग लाइन. नेक्स्ट, राइट ओपन कर्व. राइट ओपन कर्व कैसे ड्रॉ करते हैं हम? यस, है ना, सी. राइट ओपन कर्व से हम क्या लिखते हैं? सी. यस, बस इस सेंटर का टू लाइंस में हम लिखेंगे सी, है ना, राइट ओपन कर्व. नेक्स्ट नेक्स्ट हम करेंगे लेफ्ट ओपन कर्व सी. यस, लेफ्ट ओपन कर्व. एवरीबडी रिपीट आफ्टर मी. हाँ, स्टैंडिंग लाइन, राइट ओपन कर्व एंड लेफ्ट ओपन कर्व. अब हम इससे रिलेटेड अल्फाबेट्स लर्न करेंगे एंड सीखेंगे हाउ टू राइट. What is this? A. Yes. A capital है. Capital A. Small A. This is small A. A says A. Yes. A for you say and. Yes. A is for aeroplane. Yes. See how to write small a. First draw yeah right open curve, then a, draw right open curve, then right open curve, इसको ज्वाइंट करो स्ट्रेट ऐसे करो, राइट ओपन कर, फिर ऊपर ज्वाइन करो, फिर ये बन गया हमारा ए सेज ए. ए इज फॉर एंड, ए इज फॉर यू से यस एरोप्लेन. नाउ सी हाउ टू राइट बी. What is this? Say yes. B. This is B. This is capital B and this is small b. B. B says ba. B says ba. B is for ball. B is for bat. You have learned so many things. Balloon, butterfly also. See how to write small b. Standing line. और इसे joint करते हुए left open curve. Standing line. से जॉइंट करते हुए लेफ्ट ओपन कर्व. स्टैंडिंग लाइन इसे जॉइंट करते हुए लेफ्ट ओपन कर्व. स्टैंडिंग लाइन इसे जॉइंट करते हुए लेफ्ट ओपन कर्व. तो दिस इज बी. नाउ वी विल सी हाउ टू राइट अल्फाबेट सी.
What is this? C. C says ka. C is for cat. C is for cake. C is for candle. See how to write. It is very easy. Only write open card. Say, what is this? C. What is this? C. Yes. What is this? C. What is this? C. क्या क्या हो गया? A, B, C. Next, D. Yes. What is this? What is this? D. Yes. This is capital D. This is small D. D is drum. D is for drum. D is for drum. में क्या है? स्टैंडिंग नाइन राइट ओपन कर जॉइन करते हुए स्टैंडिंग लाइन राइट ओपन कर. तो क्या क्या हो गया? ए बी सी एंड डी. आई विल गिव यू वर्डशीट्स and you have to complete. Okay? And after that I will give you activity and you also complete those activities also. If possible I will give you before vacation or after vacation. Okay. Next. Last week we have taught you 3 lines. Today again, one hot day when he was going back home, he felt very tired. He sat down under a big tree and kept his basket aside. He fell asleep quickly. आज जो मैंने आपको 3 lines स्टोरी सुनाई, ये 3 lines भी आपको लर्न करना है. और लास्ट वीक जो 3 lines सुनाई थी उसके साथ इसे कंटिन्यू करना है. आगे और भी है, आपके पास है ना, आप पूरा स्टोरी ही लर्न करना. ओके? और मॉरल के साथ. Bye.